गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोहड़ी है आज, सभी को शुभकामनाएं। हम लोगों में तो नहीं होती है, बट सोसाइटी में तैयारी चल रही है, तो देखते हैं कैसे होगी। तो आपको भी दिखाती हूँ, कुछ अच्छा होगा तो। चल रही है हमारी सोसाइटी में, ठंड बहुत है, फिर भी लोग आग के सहारे पर बहुत सारे खड़े हुए हैं इधर। लाइट्स तो जला लेते हैं ढंग के। दिखाई नहीं दे रहा। दिन है मकर संक्रांति, सबको शुभकामनाएं। और बनाते हैं मकर संक्रांति पर पुलाव। किसी के यहाँ बाजरे खिचड़ी बनती है, किसी के यहाँ काली बनती है। मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। पुलाव के लिए लिया मैंने 1.5 कप चावल, गाजर, बीन्स और गोभी, सोयाबीन की बड़िया, आलू, और ये पेस्ट बना के रखा है। इसमें मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या डाला है। तो करते हैं पहले तैयारी। तो सबसे पहले डालेंगे घी, तेल, जो भी आपको डालना हो रिफाइंड। उसके बाद जीरा, लौंग, तेज पत्ता डालोगे। अब तो डाल देंगे सारी ग्रेवी। अब बताती हूँ ग्रेवी मैंने क्या क्या डाला है। इसको भूनती जाऊंगी और सभी बताऊंगी क्या क्या इसमें। ग्रेवी को डाल के भुनेंगे। अब इस ग्रेवी में सबसे पहले डाला है मैंने अदरक, बड़ी इलायची, टमाटर, और डाला है दोनों इलायची, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, लहसुन, अदरक, सबका पेस्ट बना लिया है अच्छे से। और इसको कुछ देर भुनेंगे और इसके बाद इसमें सब्जियां डाल दूंगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसको थोड़ा देर तक भूनना है ताकि स्मेल आने लगे। और जब ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आने लगे तो इसको चलाना बंद कर दें और इसमें सब्जियां डाल के चले जाएं। तो ग्रेवी और सब्जियां हमारी अच्छे से पक रही हैं। अब इसमें डाल देंगे चावल, मेजरमेंट के हिसाब से पानी, नमक, सबसे बाद में डालेंगे किशमिश और गर्म मसाला। खाके मैं टेस्ट बताऊंगी कैसा बनेगा। और पुलाव के साथ ये रायता रेडी करा है मैंने, लहसुन का छौंक लगा के, मट्ठा मसाला डाल के, पुदीना सूखा। ओ भैया, बन गया हमारा बेहतरीन वाला पुलाव। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है ये रायता। वाओ, क्या टेस्ट है। मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर। इसके लिए मैंने 1/2 kg पालक, 2 बड़े टमाटर को बीच से काट के डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इनके छिलके हटा सकते हैं बाद में, अदरवाइज पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं। लेंगे थोड़ा सा मूंग की दाल, छिलके वाली, आप कोई भी दाल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे मूंग की दाल ज़्यादा कॉम्बिनेशन में अच्छा बैठती है। और इनको नमक डाल के 3-4 सीटियाँ लगवा लेंगे। और आगे जो मैं तड़का तैयार करूँगी वो आपको। तड़के के लिए लिया है मैंने सरसों का तेल, लहसुन प्याज जो काटे थे, और इसको थोड़ा भुनेंगे पिंक होने तक। और इसमें डाल देंगे हम पनीर बाद में। ये सब थोड़ा पिंक हो गए हैं, अब डालेंगे इसमें क्यूब्स वाला पनीर। इसको भी थोड़ा साथ में चला लेंगे। पनीर और ये सब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा इनको गैस बंद कर देंगे, देखते हैं हम हमारा पालक और ये टमाटर वगैरह सब हो गए हैं। इनको ठंडा करके या ठंडा पानी डाल के मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। थोड़ी सी डाल लेंगे लाल मिर्च, हींग, और इसे साग को थोड़ा दरदरा पीस के, साग पालक को और ये पनीर में मिला देंगे। बन गया, बहुत ही टेस्टी बना है पालक पनीर। और मैं अब आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही बड़े साइज का ये मिठाई पैक है, शादी में से आया है। इसमें 3-4 तरह की मिठाई है, लड्डू मठरी हैं, लेकिन काफी बड़ा साइज है। जा रहे हैं फॉर्चून होटल। GIP
सारा वाडा का भैया आ गए हैं होटल में फॉर्च्यून। ये फॉर्च्यून होटल है, यहाँ पे इनवाइट किया है हमें, तो हम तो आए हैं। तो ये लोकेशन जमाने के हिसाब से चल रहा है, जमाने के हिसाब से चल रहा है। पहले वाला जमाना, ये भी ऐसी मीटिंग थी जैसी दूसरे होटल में थी। और ये था होटल फॉर्च्यून, इसमें हमें इनवाइट किया गया था। तो पहले प्लान पता नहीं होता है, लेकिन बार बार इनविटेशन देते हैं तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे। लेकिन इनका प्लान अच्छा है, वहाँ जाके पता चलती है, बहुत अच्छा प्लान है। आगे कभी ऐसी वो मिलेगी तो हम भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए हम थोड़ा वहाँ पे कॉफ़ी और अपना नाश्ता वास्ता करके आ गए हैं। तो ये बहुत फोर्सफुली बुलाते हैं, तो इसलिए हम भी थोड़ा अपना टाइम निकालते हैं इनके लिए। और जाके वहाँ अच्छा लगता है, बच्चों से बात करते हैं जो भी हैं वहाँ के बच्चे। और अब नेक्स्ट बार हम ज़रूर इसको लेंगे। यहाँ पे हैं चांदनी चौक वाले पराठे और बहुत सारे ठेले हैं खाने की चीज़। VIP काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, और यहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, चाइनीज लच्छा पराठा, पराठे वाली है ये चांदनी चौक मशहूर पराठा वाली गली। ये दो तीन दुकानें पास पास हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ का। हमने भी बनवाया पनीर टिक्का, और स्पेशल ये चांदनी चौक के नाम से है पराठे वाली और चाइनीज और मोमोज, सभी दुकानें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। हमने पनीर टिक्का पैक कराया है। और ये 18 का मार्केट है, ये मेन तो अड्डा मार्केट तो ये है, ये छोटा मार्केट, सब चीज मिले यहाँ, दुनिया जहान की सब चीज मिलेंगी यहाँ। पूजा की शादी में बहुत सामान यहाँ से ले गए, सीटी हो गई, बहुत भीड़ रहा दिन में, और सीटी हो गई। और मैं गाड़ी 11 बजे हैं, हम आ गए हैं घर, करते हैं ब्लॉग का एंड, गुड बाय। और स्पेशल सजेशन है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए सच का सहारा लें। बाय बाय।